कौशलपुरी, साकेत, अयोध्या, अवधपुरी आदि कई नामों से जाने जाने वाली भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या। इसे सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी का दर्जा दिया जाता है, जिसे इस श्लोक के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, यही है मोक्षदायिनी अयोध्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस महाकाव्य में भी लिखा है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, अवधपुरी मंपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को कोऊ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दुर्गेश वाजपेयी, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बाबा बद्री ब्लॉग्स में। आज आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री राम की जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और हम कराते हैं आपको रूबरू इसी अयोध्या धाम से। आपको लेकर चलेंगे अयोध्या के लगभग सभी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में और बताएंगे कैसे घूमें श्री अयोध्या धाम में, यहां कैसे आ सकते हैं, कहां रुक सकते हैं और कितना समय लगेगा आपका अयोध्या दर्शन में। तो अयोध्या दर्शन की श्रृंखला में आप सबसे पहले पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हनुमानगढ़ ही के दर्शन करते हैं, इसलिए हमने इस मंदिर को रखा है नंबर एक पर, हनुमानगढ़ी। भगवान श्री राम ने लंका विजय से लौटने के बाद इस स्थान को अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को भेंट स्वरूप रहने के लिए दिया था, जिसका वर्णन हमारे चार वेदों में से एक अथर्ववेद में भी मिलता है। भगवान राम ने स्वयं हनुमान जी से कहा था, जब भी कोई भक्त अयोध्या आएगा सर्वप्रथम वो हनुमानगढ़ी आकर आपके दर्शन करेगा, तभी से यह परंपरा आज भी जीवित है। अयोध्या आने वाले भक्त सबसे पहले यहां दर्शन करते हैं। यह मंदिर एक विशाल टीले पर स्थित है, प्राचीन समय में इसे हनुमान कोट या हनुमान किला या हनुमान टीला भी कहते थे। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से आज्ञा लेने के बाद ही भक्त सरयू स्नान या अन्य किसी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी को जीवित देव के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से सायं 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए आपको लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ के वर्तमान महंत श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज हैं। नंबर 2, कनक भवन। मान्यता के अनुसार ये मंदिर एक सोने से जड़ा हुआ विशाल भवन हुआ करता था, इसी वजह से इसे कनक भवन कहते हैं। श्री राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित ये मंदिर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने इस भवन को भगवान श्री राम के विवाहोपरांत माँ सीता को मुंह दिखाई में दिया था। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां स्थापित हैं। इस भवन में आज भी असंख्य दुर्लभ रत्न जड़े हुए हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी इसी स्थान पर आते हैं और उसी समय उन्होंने कनक भवन को देखा जो कि टीले में तब्दील हो चुका था। उन्होंने कनक भवन का न सिर्फ पुनः निर्माण किया बल्कि विग्रह को स्थापित करके पूजा भी की। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक। जन्मभूमि। मित्रों, ये वही स्थान है जहां पर 5114 ईस्वी पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। इसी अयोध्या में ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का भी जन्म हुआ। आपको बता दें कि आक्रांताओं के आने से पहले यहां पर हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप हुआ करते थे। मुगल आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527 से 1528 में अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया और बाबर के ही नाम पर इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। जिस समय राम मंदिर तोड़ा जा रहा था, अनेकों हिंदू राजाओं और महंतों ने इसके विरोध स्वरूप बाबर से युद्ध किया, किंतु दुर्भाग्य से सफलता नहीं मिली। 30 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं कई हिंदू संगठनों ने मिलकर बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे पर भगवा लहरा दिया
उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर सैकड़ों राम भक्तों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। इस घटना में सैकड़ों राम भक्त काल के गाल में समा गए और 1991 में मुलायम सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 6 दिसंबर 1992 को पुनः कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर आक्रमण किया और बाबरी ढांचे को ढहा दिया गया। काफी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के आदेश के बाद 5 अगस्त 2020 को इसी स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए मंदिर की नींव रखी गई, जिसे कि सन 2024 तक बनाकर राष्ट्र को समर्पित करने का लक्ष्य है। यह मंदिर सुबह 7 बजे से सायं 8 बजे तक खुला रहता है। नंबर 4, दशरथ महल। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का राजमहल हुआ करता था। इसी महल में महाराज दशरथ अपने कुटुंबी जनों के साथ निवास करते थे। इस महल में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता के विग्रह मौजूद हैं। इस महल को एक सिद्धपीठ माना जाता है। इस स्थान को बड़ा स्थान भी कहा जाता है। यह महल कनक भवन और राम जन्मभूमि मंदिर के मध्य में स्थित है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक और सायं 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। नंबर 5, राजद्वार मंदिर। यह मंदिर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है, जो कि सर्वोच्च ऊंचाई वाले स्थान पर बना हुआ है। ये मंदिर हनुमानगढ़ी के ठीक सामने स्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर को अयोध्या के राजा दर्शन सिंह ने बनवाया था। इस मंदिर के शिखर पर आज भी सैकड़ों किलो सोने का शिखर लगा हुआ है और इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। नंबर 6, नागेश्वरनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित अति प्राचीन मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का की स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी। ये मंदिर सरयू तट पर स्थित है। श्रावण मास में इस मंदिर में कई विशेष कार्यक्रम भी होते रहते हैं। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। नंबर 7, जानकी महल। ये मंदिर भी राम जन्मभूमि मंदिर के पास में ही स्थित है। यहाँ पर श्री गणेश जी के साथ साथ श्री राम, जानकी एवं श्री हनुमान जी के विग्रह स्थापित हैं। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर भक्तों के ठहरने एवं भोजन की भी उत्तम व्यवस्था रहती है, जिसे जानकी ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक। नंबर 8, देवकाली मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री राम की कुल देवी को समर्पित है। इस मंदिर को बड़ी देवकाली मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में भक्तों की विशेष आस्था है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यहाँ दर्शन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। आपको बता दें कि ये मंदिर अयोध्या से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद शहर में स्थित है। नंबर 9, बड़ा हनुमान मंदिर। मित्रों, ये मंदिर भी श्री राम जन्मभूमि जाने वाले मार्ग पर ही स्थित है। ये मंदिर मुख्यतया हनुमान जी को समर्पित है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। जब भी आप जाएं, इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। नंबर 10, वेदांती जी का मंदिर। बड़े हनुमान मंदिर के ठीक सामने ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर के विग्रह को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर में रखे हुए विग्रह इतने अलौकिक, इतने सजीव हैं कि वहां से नजरें हटाने का मन आपका करेगा ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहां पर आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता है। मंदिर खुलने का समय वही लगभग 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक। जब भी आप जाएं, इस मंदिर का अवलोकन जरूर करें। नंदीग्राम या भरतकुंड। अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर दर्शन नगर नामक स्थान पर स्थित नंदीग्राम या भरतकुंड की यह मान्यता है कि श्री राम के वनगमन के बाद उनके वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए।
जिनका पिंडदान भरत जी के द्वारा इसी स्थान पर किया गया। आज भी लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गया जी जाते समय प्रथम पिंडदान यहीं करते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर भरत गुफा है। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट से वापस आकर भरत जी ने प्रभु राम की खड़ाऊं यहीं पर रखकर तपस्या करते हुए अपने राजधर्म का पालन किया। राज सदन, यह राजा दर्शन सिंह के द्वारा बनवाया हुआ एक राजमहल है। इसमें आज भी राज परिवार के लोग निवास करते हैं। सरयू स्नान एवं सरयू आरती। हमारे वेद पुराण लिखते हैं, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरे पाप का वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कह न सकें शारदा विमल मति। अर्थात श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श और जलपान समस्त पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र नदी मानी जाती है। इनकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती हैं। माता सरयू के तट पर होने वाली आरती के बारे में बता दें, ये आरती ग्रीष्म काल में 6 बजे से 7 बजे के मध्य होती है और शरद ऋतु में यह आरती 5 बजे से 6 बजे के मध्य में होती है। अकारो ब्रह्मचा प्रोक्तम यकारो विष्णु रुच्यते धकारो रुद्र रूपश्च अयोध्या नाम वर्तते। अर्थात अयोध्या में आ ब्रह्मा जी का स्वरूप या साक्षात विष्णु जी और धार रुद्र स्वरूप माना गया है। इन्हीं तीनों अक्षरों को मिलाकर अयोध्या बनी है। अर्थात जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात निवास करें वही है अयोध्या। अयोध्या कैसे पहुंचे? अयोध्या आने के लिए सड़क मार्ग से लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर आदि सभी प्रमुख शहरों से बसें चलती हैं। अयोध्या में एक रेलवे स्टेशन भी है जो अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाता है, जहां लगभग सभी प्रमुख शहरों से रेलगाड़ियां आती और जाती हैं। नजदीकी एयरपोर्ट में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी है, जहाँ से आप एयरपोर्ट पर उतरकर टैक्सी लेकर अयोध्या पहुँच सकते हैं। ठहरने के लिए यहाँ पर कई धर्मशालाएं हैं जो निःशुल्क भोजन और ठहरने का प्रबंध कराती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बजट होटल से लेकर के स्टार रेटेड होटल भी हैं, जिनमें आप अच्छी सुविधाओं के साथ रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टैक्सी और अपनी व्यक्तिगत कार से भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा एक प्रयास अयोध्या के इतिहास, यहाँ के दिव्य अलौकिक मंदिरों की जानकारी और महिमा आप तक पहुँचाने का। तो वीडियो कैसी लगी, हमें क्या और बताना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।